वेलकम टू कॉन्सेप्ट सॉल्यूशंस। आज का हमारा रेगुलर टॉपिक है चैप्टर नंबर 4, मैट्रिसेस। सबसे पहले ये टॉपिक शुरू करने से पहले हमें मालूम होना चाहिए कि मैट्रिसेस क्या हैं और कहाँ यूज़ होते हैं और उनकी एप्लीकेशन क्या है। बेसिकली आपकी जो भी इनइक्वालिटीज़ हो गई, इक्वेशंस हो गई, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक इक्वेशन है का सिस्टम है, फॉर एग्जांपल 2x+2 है इज इक्वल्स टू 1 एंड x+y इज इक्वल्स टू 2। तो ये इक्वेशन को अगर हम सिमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं तो उसको मैट्रिक्स के ज़रिए भी सॉल्व कर सकते हैं। ये तो ऐसी इक्वेशन है कि हम इसको साइमल्टेनियसली सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन के मेथड से कर सकते हैं, लेकिन अगर कुछ ऐसी इक्वेशन आ जाएँ जिनमें 3 वेरिएबल्स हों तो वो इक्वेशन सॉल्व करने के लिए मैट्रिसेस बहुत कारामद साबित हो सकता है। तो यही कुछ एप्लीकेशंस हैं मैट्रिसेस की जो हमें काम आती हैं, लेकिन सबसे पहले हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए मैट्रिसेस के हवाले से कि मैट्रिसेस को रिप्रेजेंट किस तरह किया जाता है और लिखा किस तरह जाता है। फॉर एग्जांपल स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं, मैट्रिसेस को इस तरह लिखा जाता है कि यहाँ पे एक एंट्री आ जाती है। फॉर एग्जांपल मैं 1 लिख देता हूँ, यहाँ मैं 2 लिख देता हूँ, यहाँ मैं 3 लिख देता हूँ एंड यहाँ मैं 4 लिख देता हूँ। तो ये आपकी एक मैट्रिसेस की रिप्रेजेंटेशन है और ये एक रो है एंड ये उसका कॉलम है। तो इस बेसिकली मैट्रिक्स में आपके पास 2 रोज़ हैं एंड 2 कॉलम्स हैं, तो इसको कहते हैं ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, यानी कि 2 रोज इंटू 2 कॉलम्स। सिंपली अगर हमें 2 मैट्रिसेस सब्ट्रैक्ट करने हों, 2 मैट्रिसेस ऐड करने हों, तो उनकी पहली एंट्री से ऐड कर दें, दूसरी दूसरी से, तीसरी एंड चौथी, इसी तरह। सिमिलरली अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स है, मैं इसको लिख देता हूँ 1 1 2 3 4 -1 0 0 1, ये एक मैट्रिक्स है, ये है 3x3 का मैट्रिक्स। अब इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा वो 3x3 होगा एंड ये ऐड भी सिर्फ 3x3 के मैट्रिक्स में हो सकेगा या सब्ट्रैक्ट भी 3x3 के मैट्रिक्स से हो सकेगा। सबसे पहले हम जो चीज़ करेंगे दैट वुड बी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होने के लिए सबसे पहले आपको ज़रूरी है कि जो पहला मैट्रिक्स है, यानी कि 1 2 3 4, दूसरे मैट्रिक्स से उसी सूरत मल्टीप्लाई हो सकता है कि जब इस मैट्रिक्स की कॉलम इस मैट्रिक्स के रो के बराबर हों। इस मैट्रिक्स की कॉलम है 2 और इसकी रोज़ हैं 2, कॉलम 2 रोज़ 2, तो ये मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो सकते हैं। अब होगा क्या कि इसका जो आंसर निकलेगा, आपको पता होना चाहिए कि ये फॉर एग्जांपल मैट्रिक्स है 2x2 ऑर्डर का और ये मैट्रिक्स है 2x1 ऑर्डर का, तो जो इसका आंसर निकलेगा वो होगा 2 और यहाँ से 1, यानी कि 2x1 का। लेकिन मल्टीप्लाई सिर्फ तब हो पा रहा था कि जब ये चीज़ और ये चीज़ बराबर हो, यानी इसके कॉलम इसके रोज़ बराबर हो, तो इसका आंसर भी 2x1 कॉलम आएगा, यानी 2 रोज़ और 1 कॉलम। 1 × 1, पहला रो कॉलम के साथ, यानी कि 1 × 1 +2 × 1, यानी 1 + 2 एंड 3 × 1 4 × 1 3 + 4, तो ये आपके आ गया 3 एंड 7, ये आपका आ गया आंसर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का। सिमिलरली अब कोई भी इस तरह की इक्वेशन, ये मैंने इसलिए कराई क्योंकि जब हम आगे सिमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो हमें इसी कॉन्सेप्ट की ज़रूरत आगे पड़ेगी। अब हम आ जाते हैं सॉल्विंग सिमल्टेनियस इक्वेशंस यूजिंग मैट्रिसेस। हम इसको रब कर लेते हैं। हमारे पास इक्वेशन है 3x+2y इज इक्वल्स टू 1 एंड x+y इज इक्वल्स टू 1। तो हमारे पास इस इक्वेशन को सॉल्व करने के कई तरीके हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसको मैं सिमल्टेनियसली सॉल्व कर सकता हूँ, लेकिन अभी क्योंकि हम मैट्रिसेस पढ़ रहे हैं तो हम इसको मैट्रिसेस को सॉल्व करेंगे। मैट्रिसेस में इसको लिखा जाता है ax इक्वल्स टू b की फॉर्म में, यानी कि a एक मैट्रिक्स,
एक्स एक मैट्रिक्स जो हमने फाइंड करना है, और बी एक मैट्रिक्स जो हमें गिवन है। ए हो जाएगा हमारा 3 यहाँ से, 2 यहाँ से, 1 इसका कॉफिशेंट, 1 इसका कॉफिशेंट, और एक्स यहाँ पे हो जाएगा एक्स वाई जो मैट्रिक्स हमने फाइंड करना है, एंड 1 यहाँ पे और यहाँ पे आ जाएगा। अब सबसे पहले इसको यहाँ पे लेके जाने के लिए हमें इस मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड करना होगा, यानी कि ए एक्स बी जो है वो बराबर है, अगर मैं दोनों साइड इन्वर्स मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये बराबर होगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो कॉन्सेप्ट है कि अगर वो किस, ये बेसिकली डेसिमल में जिस तरह 1 नंबर होता है कि 1 किसी के साथ भी मल्टीप्लाई हो तो वो 1 ही रहे, तो वो बेसिकली आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। यानी कि इसको मैं आई लिख देता हूँ, तो आई एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा तो एक्स एक्स ही रहेगा, तो इस तरह हम एक्स फाइंड कर लेंगे। तो ए इनवर्स फाइंड करना है अब हमने, ताकि वो बी से मल्टीप्लाई हो और एक्स वाई हमारे पास इसकी हम वैल्यू फाइंड कर सकें। ए इनवर्स फाइंड करने का तरीका होता है कि एड जॉइंट ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ए। अब एड जॉइंट ए फाइंड करने का तरीका ये होता है कि जो मैट्रिक्स ए है उसकी ये दो एंट्रीज आप रिप्लेस कर दें, 1 और 3, यानी कि डिस्प्लेस कर दें माना इन्वर्स कर दें, और जो ये दो एंट्रीज हैं इनके साइन चेंज कर दें, -1 एंड -2। और जो डिटर्मिनेंट लेने का तरीका होता है वो होता है 3 × 1, यानी कि इस अगर 2 × 2 मैट्रिक्स से डिटर्मिनेंट लेना है, क्योंकि 3 × 3 का डिफिकल्ट होता है, तो सिर्फ 2 × 2 का बहुत सिंपलेस्ट होता है, तो मैं एक सिंपल एग्जांपल करा रहा हूँ, 3 × 1 - 2 × 1, ये माइनस फार्मूले का, तो नीचे आ जाएगा 1 और ऊपर ये रह जाएगा सिंपल मैट्रिक्स जो कि ए इनवर्स हो जाएगा, ये 1 रह जाएगा। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे, इसको हम पार्टीशन करके सॉल्व कर लेते हैं। अब x बराबर है a इनवर्स b के, अब a इनवर्स हमने निकाला 1 - 2 - 1 एंड 3 के, b हमारे पास है 1 × 1 के। मैं अब इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करूँगा तो हमारे पास आएगा 1 × 1 - 2 - 1 एंड +3, तो 1 एंड आपके पास सॉरी -1 एंड आपके पास आएगा 2 आपका आंसर। तो इस ये है कि जब आपके ये आपकी आ गई x की वैल्यू और ये आपके पास आ गई y की वैल्यू, अगर आप इसमें पुट करके चेक करें तो आपकी इक्वेशन कोई भी इक्वेशन ले लें, ये वाली इक्वेशन ले लेते हैं कि 3 × -1 + 2 × 1 2 × 2 = 1, बिल्कुल ये बराबर है -3 + 4 1 के बराबर आता है। तो ये प्रूव होता है कि हमारा जो हमारा तरीका था मैट्रिसेस का ये बिल्कुल करेक्ट था। थैंक्स फॉर जॉइनिंग कॉन्सेप्ट सॉल्यूशंस। मैट्रिसेस चैप्टर से कुछ भी और ऑन डिमांड लेक्चर हो, कोई डिमांड हो तो लाजमी बताइए, ताकि हम आपकी वो डिमांड पूरी से कर सकें। थैंक्स फॉर जॉइनिंग कॉन्सेप्ट सॉल्यूशंस।